हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात में आज बात करेंगे किसानों के बारे में। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 3 महीने से ज्यादा इस आंदोलन को हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार से तमाम बातचीत हुई है लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकला है। किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि MSP पर कानून बनाया जाए, साथ ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद अभी तक समाधान नहीं निकला है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद ही होगी। उन्होंने आह्वान किया कि जब मोदी सरकार कह रही है कि हम MSP पर खरीद कर रहे हैं तो फिर किसान अपनी फसल लेकर अब संसद ही पहुंचेगा, क्योंकि स्थानीय मंडियों में खरीद हो ही नहीं रही है, तो अब हम संसद जाएंगे, वहां पर फसल बेचेंगे और इसलिए अब किसानों की मंडी संसद ही होगी। ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि BJP को हराने की अपील करने के लिए उन राज्यों में अपने नेताओं को भेजेंगे जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां किसान 6 मार्च को KMP एक्सप्रेसवे को भी अवरुद्ध करेंगे। बता दें कि उस दिन किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन KMP को बंद किया जाएगा। मंगलवार को राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ये कहा कि सभी को सबसे प्यारी जमीन है और बड़ी कंपनी जो आ रही है वो आपकी जमीन छीनने आ रही है। टिकैत ने कहा कि दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई यहाँ भी शुरू करनी पड़ेगी। तो ग्राफिक्स के जरिए सवाल सबसे पहले आपको आज के बता दे, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान परेशान है, जनता परेशान है, समाधान कब निकलेगा ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। संसद में फसल बेचने पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अब किसानों की ओर से ये कह दिया गया है कि हम तो संसद में जाकर ही फसल बेच लेंगे MSP पर। किसान आंदोलन तेज, सरकार मौन, क्योंकि आंदोलन लगातार तेज किया जा रहा है, महापंचायतें की जा रही है लेकिन सरकार मौन। ऐसा क्यों, संसद आ रहे हैं किसान, ऐसे होगा समाधान। किसानों की ओर से कहा गया कि वो संसद आएंगे और उसके बाद वहां पर ही अपनी फसल बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किसानों की ओर से जो कदम उठाया गया है क्या इससे समाधान निकल जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि MSP पर खरीद पहले भी होती आई है, हो रही है और आगे भी होगी। तो ऐसे में अब किसानों ने ये कहा है कि मंडियों में हमारी फसल नहीं बिक रही है और हम जाकर दिल्ली की संसद में अपनी फसल बेचेंगे ताकि MSP पर खरीद हो सके। तो रोक तो अब है ही नहीं, इसलिए दिल्ली जाएंगे सभी किसान, वहां फसल बेचेंगे, ये बात कही गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, अगर आप किसान हैं तो आप इस बात से कितने सहमत हैं, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है, संसद में फसल बेचने पर आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है, सरकार भी परेशान हो गई है फिलहाल तो, लेकिन समाधान करना सरकार के ही हाथ में है, लेकिन समाधान होगा कब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। तो सवाल आपको बता दिए गए हैं और नंबर आपके TV स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। 2 नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं और इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है कि किसान आंदोलन के तहत अब जो ऐलान किया गया है इस पर आपकी क्या राय है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही सवाल यहाँ पर बहुत सारे कि समाधान कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, क्यों समाधान नहीं हो रहा है किसान आंदोलन का, तो सवाल ऐसे कई हैं, आप भी पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है, और जो सवाल हैं ये इनका जवाब आप दे सकते हैं। नंबर आपको बताए जा चुके हैं, फ्लैश किए जा चुके हैं और सवाल आपको लगातार बताए जा रहे हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है कि आखिर किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है और ऐसे में समाधान कब निकलेगा सबसे बड़ा सवाल यही बन। कहते कहा कि सबसे प्यारी जमीन है और निजीकरण की जो बात किसानों की ओर से कही जा रही है, सरकार पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जमीन छीन लेंगी, और जो भी परेशानी किसानों की है सरकार
से बातचीत लगातार की जा रही थी दिल्ली हिंसा से पहले, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं हो रही है सरकार के साथ। तो ऐसे में सवाल कई बने हुए हैं, लेकिन जवाब देना और समाधान करना सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है। ऐसे में सवाल आपको बता दिए गए हैं, किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि लगातार ये आंदोलन चल रहा है और किसान भी परेशान है, आम जनता भी अब परेशान होने लगी है। छोटे व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारी जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। लगातार गुहार लगाई जा रही है, एक ओर महंगाई की मार, दूसरी ओर किसान आंदोलन तेज, तो इससे आम जनता भी काफी परेशान है। तो आप कितने परेशान हैं ये आप हमें बता सकते हैं, किसानों की इस लड़ाई में आपकी क्या राय है ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो सवाल कई हैं जिनका जवाब आपको देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत हुई। आपको बता दें कि लगातार किसानों की ओर से देश भर में महापंचायतें की जा रही हैं और किसानों की ओर से ये भी कहा गया है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां जाएंगे और वहां वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा, रैली की जाएगी, महापंचायतें की जाएंगी। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि अब इनका मकसद किसानों के हक की बात करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। ऐसे में आपकी क्या राय है? इसी के चलते सरकार जो है अपनी बात पर अड़ी है और किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसान अपने हक की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम संशोधन को तैयार हैं लेकिन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। तो किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब संसद में फसल बेचने जाएंगे किसान, ये किसानों की ओर से कहा गया है। राकेश टिकैत ने ये कहा है साफ तौर पर कि अब किसान जो है वो संसद आ रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहते हैं, पूरी तरह से राजनीतिक ये आंदोलन हो चुका है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का समर्थन तो शुरू से ही इस आंदोलन को मिल रहा है, लेकिन पहले किसान आंदोलन के दौरान विपक्षी पार्टियों को मंच नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से स्वागत विपक्षी पार्टियों का, वहां के नेताओं का हो रहा है, तमाम आरोप किसान आंदोलन पर लग रहे हैं कि विपक्ष का ये आंदोलन बनकर रह गया है। तो ऐसे में किसान आंदोलन, किसान के हक की बात यहां पर हो रही है, तो ऐसे में आम जनता कितनी परेशान है, आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक ओर महंगाई की मार है, दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो वहां पे कुछ जगहों पर 100 रुपए के करीब लीटर दूध बेचा जा रहा है डेयरी में किसानों की ओर से, और आंदोलन को तेज करने के चलते ही किसानों ने ये कदम उठाया है और ये निर्णय लिया है कि दूध 100 रुपए प्रति लीटर डेयरी में दिया जाएगा। आगे का कार्यक्रम क्या हो उसके बारे में डिस्कस हुआ है, जो आज ये मतलब तय हुआ है कि 5 घंटे के लिए KMP ब्लॉक किया जाएगा 6 तारीख को, और उसके बाद 8 तारीख को यहाँ पे मतलब हमारे पूरे देश में महिला दिवस है वो मनाया जाएगा। सभी मतलब हमारी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आकर उस दिन धरना प्रदर्शन की जगह पे भी आएंगी और स्टेज भी वहीं मतलब वही चलाएंगी, ये प्रोग्राम रखा है। और एक उसके साथ 15 मार्च को एक ट्रेड यूनियन वालों ने प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम किया और उसका हम समर्थन करना है, तो वो रेलवे स्टेशनों के मतलब आगे जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है और हमने उनका मतलब समर्थन करना है। हाँ, अभी ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका ने पूरे उन स्टेटों में जहाँ जहाँ पे मतलब फसल अब आ रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, तो आज एक समय है हमारे पास कि हम पूछेंगे कि भाई बताएं ये जो फसल है इसका MSP ये है, अगर MSP है तो इस भाव पे इसको खरीदा क्यों नहीं जा रहा। तो वो एक प्रोटेस्ट है हमारा, वो करेंगे और पूरे देश में जहाँ जहाँ पे मतलब हमारी फसल की कटाई होती जाएगी और किसान फसल लेकर आएंगे वहाँ वहाँ पर वो होगा, वो रखा हुआ तय हुआ। विरोध बिल्लू का विरोध है हमारा, MSP पे खरीद रही हो रही उसका विरोध है, और हमारा ये है कि जो उत्तराखंड का जो किसान प्लान कर रहा है
उसकी 5 पॉलिसी हमने सरकार को दी है, पहले भी हमने लिख कर दी इनको, उस पर काम करना पड़ेगा तो उत्तराखंड का किसान बचेगा, ये हमने कहा है। और भारत सरकार से अलग तरह की लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। सरकार को चैलेंज क्यों नहीं करेंगे, 70 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, किसान रह रहे हैं। कोई एक बेवकूफ आदमी आया कोई पर्चा लेके और कहने लगा जी मेरी जमीन है, जितने सरकारी ऑफिस बन रहे हैं जितने बन रहे हैं, क्या ये सरकार उनको छोड़ देगी जो थाने डीएम के उसके जो ऑफिस घर बने हुए हैं, इसी साल निमट जाएगा। कुछ ना कुछ ये वो प्लान बना रही होगी। हाँ सरकार खामोश है, बोल नहीं रही, कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां से बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अब लोगों से भीड़ से तमाम उससे नहीं मान रही है, इसलिए कॉरपोरेट का इतना बड़ा दबाव है कि वो सरकार को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो फैसला किया है कि अब भाजपा को वोट की चोट देने का काम करेंगे और बंगाल में 12 मार्च बंगाल से बंगाल के कलकत्ता से आह्वान करेंगे कि किसी को भी वोट दे दो, वोट को कूड़े में डाल दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दे। तो सुना आपने किसान नेताओं को, राकेश टिकैत को साफ तौर पर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोलते हुए किसान, और ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को वोट ना दे क्योंकि बीजेपी की वजह से किसान परेशान है। किसानों को अपनी हक की बात करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, ये साफ तौर पर कहते हुए नेता तमाम, और ये अपील करते हुए जनता से कि लगातार उनको सहयोग दिया जाए। नंबर हमारे फ्लैश किए जा चुके हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, 01763234026 और दूसरा नंबर है 01763234029। ये दो नंबर, इन दोनों नंबरों पर आपको फ़ोन करना है, अपनी राय देनी है। किसान नेताओं को भी आपने सुन लिया है, राकेश टिकैत की ओर से क्या कुछ कहा गया। आपको बता दें कि संसद में फसल बेचने की तैयारी अब किसानों की ओर से कर ली गई है। तो किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि तमाम लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं अब, और ये साफ तौर पर कहने लगे हैं कि उद्योग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी तो महंगाई को लेकर भी है और साथ ही साथ किसान आंदोलन के समाधान ना होने को लेकर भी है। दर्शक इसी बीच एक हमारे साथ दीपक जुड़ गए, स्वागत है दीपक आपका, दीजिए अपनी राय। जी मेरा ये कहना है, हेलो जी दीपक रखिए अपनी बात। मेरा ये कहना है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। इन्होंने जो भी काम किए हैं किसानों के विरोध में किए हैं, किसानों के हित में एक भी काम नहीं किया है। अभी जो ये काले कानून लेकर आए हैं ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। मेरे देश का छोटा किसान अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा इन कानून के माध्यम से। किसान से एक ही गुजारिश है कि काले कानून वापस लिए जाए और किसानों को लागत के आधार पर, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 2014 के चुनाव में कि हम लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन यहाँ तो MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भी नहीं मिल रहा है किसानों को, ये स्थिति है। अब क्या करेंगे किसान, आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई इलाज ही नहीं बचा है। दीपक अब MSP पर फसलें बेचने के लिए संसद की ओर रुख कर रहे हैं किसान, क्या लगता है ऐसे समाधान हो जाएगा? समाधान तो होना ही चाहिए क्योंकि ये अन्नदाता की आवाज है और ये आवाज जन आवाज बनेगी। एक दिन ये आंदोलन इतना तेज हो जाएगा पूरे देश के लोग इसको समर्थन करेंगे, इससे केवल किसान ही नहीं आम उपभोक्ता भी बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। अगर ये स्थिति रही तो उद्योगपति अब खेती की ओर रुख करने लगे हैं, सारे कृषि उत्पाद किसानों से सस्ते दामों में लेकर आम जनता को महंगे दामों में बेचेंगे, ये तो इससे आम आदमी भी परेशान होगा, देश का महंगाई बढ़ेगी। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक मनीष हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है मनीष आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैम क्या हाल है जी? जी बताइए क्या कहना चाहते हैं कि संसद अब किसान जा रहे हैं अपनी फसल बेचने, ऐसे समाधान हो जाएगा किसानों की समस्याओं का? देखो जी हम तो पूरी फाइट करेंगे क्योंकि हम खुद किसान के बच्चे हैं, हम तो चाहते यही है कि हमें हमारा हक दिया जाए, क्योंकि जो ये राजनीति है राजनीति में ना कभी हम आए हैं ना हम आना चाहते हैं। जो लोग बीजेपी के हैं वो हमें उकसा रहे हैं कि हमें संसद आने के लिए, क्योंकि हमारी मांग कोई पूरी कर नहीं रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, इतनी लंबी फाइट चल रही है, हम अपना सारी घर परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं और वहाँ पर अगर आप एक रात बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक रात बितानी कितनी मुश्किल होती है हमारे लिए। तो हम पंजाब के लोग हैं तो हम पंजाब हमेशा गुरु पीरा का शहर है और हम कुर्बानी देना जानते भी हैं और अपने हक के लिए जीतना भी जानते हैं,
और हमें यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें प्यार से हमारे जो कानून है जो अपने रद्द करो, हमें हमारा हक दिया जाए। ठीक है मनीष, आप पंजाब से, लेकिन हरियाणा में किसानों ने 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने की बात कही है अब डेयरी में, इसको आप समर्थन करते हैं? देखो जी, उसमें समर्थन हम पहले सरकार को पता नहीं, सरकार ने आज पेट्रोल कितने रुपए 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया है, तो हम अगर दूध अपना दूध का रेट बढ़ाएंगे तो सरकार को उसमें क्या आपत्ति है, मुझे बताइए। ठीक है, सरकार की आपत्ति तो देखी जाए, आम जनता इससे परेशान हो रही है। आम जनता को तब नहीं परेशानी होती जब सरकार ने इतने से खर्चे बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप लोगों की सरकार को ये खुली चेतावनी कि अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो हम भी मनमानी करेंगे। शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक माया राम हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी जी मैम जी, बताइए क्या लगता है कि अब संसद की ओर किसान रुक कर रहे हैं, ऐसे समाधान हो जाएगा किसान आंदोलन का, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए? जी मैम क्या है, इन लोगों को सरकार को किसानों के बारे में विचार करना चाहिए कि जितने लोग गरीब मजदूर हैं उन लोगों के बारे में, किसान एक किसी पे 10 बीघा है, किसी पे 4 बीघा है, उसके लिए काम करता है, ठीक है ना, किसान के हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो किसान के बारे में ध्यान देना है, किसान से ही आपका फाउंडेशन, हमारे देश का फाउंडेशन है ये, इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी जो है राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान MSP अगर डाउन कर ले उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसको चेंज कर दो, किसानों को सही लो, काम करो अच्छे से, ये जबरदस्ती किसानों को थोपना अच्छा नहीं है। ठीक है, जो दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है किसानों की ओर से, उसके समर्थन में आप? जी मैम, किसानों के लिए नहीं है वो, सरकार के लिए है। अब जो अपना किसान हम बोल रहा है कि हम लोग गरीब को 1 रुपए लीटर दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन सरकार जिस तरीके से लेके जो उद्योगपति है उसको लेके 40 ले रहा है और 100 रुपए उसको दे रहा है, तो उसको हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मैम यही है, जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है उसको नहीं देना चाहिए, सरकार हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में, तो हम खाली प्राइवेट जो भी हमारे से बिजनेसमैन है उन लोगों को लौट जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए मायाराम। तो दर्शक तमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, और दर्शकों का साफ तौर पर ये कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है, हर आम नागरिक की लड़ाई है। और जिस प्रकार से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची जा रही है, किसान से 40 में लेके बाद में उद्योगपति उसे 100 में बेच रहे हैं, तो इससे अच्छा हम खुद ही 100 में बेचेंगे। और सिर्फ ये सरकार के लिए, गरीबों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, गरीबों को फ्री में दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता का दूसरा स्वरूप। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। बाकी के दर्शकों की तरह आनंद, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। गवर्नमेंट ही सेट करती है ना, MSP गवर्नमेंट सेट करती है, तो ये किसानों को उनको देनी चाहिए, ये सारे देश का नुकसान हो रहा है, इनको सेटल करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब सेट करती है कोई ना कोई कैलकुलेशन करके ही करती है ना, तो उनका उस हिसाब से जो रेट मिलना चाहिए वो उनको मिल जाए, अपना काम खत्म करवाएं, सभी का नुकसान हो रहा है, देश का ही नुकसान है, सभी का नुकसान है। नहीं तो गवर्नमेंट MSP सेट मत करे फिर। चलिए ठीक है, इसका मतलब अब जो किसान है संसद जा रहे हैं फसल बेचने के लिए ताकि MSP पर बिके, आप उसके पक्ष में हैं? वो मैडम उन्होंने संसद में क्या जाना, मेरे को ये बताओ, जो कम पढ़े लिखे हैं या क्या है, जो परेशान है वो तो सड़कों पे बैठेगा, कहीं जाएगा, जितनी समझ है उतना ही काम करेंगे ना, उनको उनका मूल्य मिल जाए वो अपना आप ही चले जाएंगे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं आप उनका हल कर देना, ये MSP दे दें, उसमें क्या खत्म है, बात खत्म हो जाएगी। अगर उनकी कॉस्ट सोच करो 1600 रुपए आती है, उसको ग्रेड बना दो ABCD, जैसे दूध बिकता है फुल क्रीम है, टोंड मिल्क है, स्टैंडर्ड है, ऐसे अगर आपको लगता है कि उनकी फसल में फर्क होता थोड़ा बहुत, एक अगर 1600 की है, एक 1700 का होता है, 1600 1500 ग्रेड बना दो तीन, उसमें क्या दिक्कत है, उनको उनका पैसा तो मिलना चाहिए ना उनको, जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल है वो तो उनके हाथ में नहीं है, तो मौसम के ऊपर है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, जो लागत आती है इतने बड़े साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो उनको मिलना ही चाहिए ना।
ठीक है, शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, बहुत अच्छा विकल्प आपने यहाँ पर दिया। जगजीत, इसी बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी जगजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब संसद जा रहे हैं किसान। क्या लगता है ऐसे किसान आंदोलन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा किसानों की? देखो जी, जो भी फायदे ठीक कर रहे हैं सोच के, जो भी बड़े अपने है अपने नेता जी, जी जो भी करे ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, शुक्रिया जगजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, और दर्शकों का यही कहना है कि एमएसपी की ही लड़ाई है और सरकार अगर दावे के साथ कहती है कि एमएसपी पर खरीद हो रही है तो फिर एमएसपी पर बिक्री का कानून, खरीद का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्वालिटी की अगर बात है तो क्वालिटी के हिसाब से एमएसपी के कानून बना दिए जाएं, श्रेणियों में बांट दिया जाए, लेकिन एमएसपी तो निर्धारित कर दी जाए। जिस बात का दावा किया जा रहा उस पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ये तमाम दर्शकों की भी राय है। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं जिन पर आपको राय देनी है। तमाम दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं, उन्हीं की तरह आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए यही दो नंबर हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं दो नंबरों पर आपको संपर्क करते रहना है। बहुत बार ऐसा होगा कि फ़ोन व्यस्त आएगा, लेकिन बावजूद इसके आपको प्रयास करते रहना है तो आपका फोन जरूर मिलेगा। बलवीर सिंह, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका बलवीर, दीजिए अपनी राय। जी क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। ये तेज हो रहा है, मेरी ये राय है कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं देते? हाँ जी, कृषि को आप उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दीजिए? बलवीर जी अपनी बात पूरी तरीके से रखिए, समझ में नहीं आया मुझे, एक बार फिर से दोहराइए। हाँ जी, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ एक तो एमएसपी जारी रहना चाहिए, ठीक है, और एक आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए ना, जो ठीक है। जो अब संसद जा रहे हैं किसान, क्या लगता है ऐसे समाधान हो जाएगा? समाधान तो होगा, नहीं होगा तो किसान कहाँ जाएगा सब? ठीक है, इनको ठीक है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलबीर, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक परमजीत कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी परमजीत जी, बताइए किसान आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, क्या लगता है आप संसद जा रहे हैं किसान, समाधान हो जाएगा किसान आंदोलन का? हाँ जी, मैं किसान है, मैं आप खुद खेती कर दी है, मेरे हस्बैंड 6 साल हो गए मुक्के, खुद खेती कर, या सरकार साढ़े खेतों के कब्जे करना चाहती है, अभी चाहते भी जेडे किसान सड़क बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की ओर से दावे तमाम किए गए हैं, कर्जा माफी के भी दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है, कर्ज के बोझ तले आज भी किसान दबा हुआ है। तो किसान हितेशी होने का सरकार जो लगातार दावा करती है और जो किसानों के हित के लिए ही कानून लेकर आई है, ये कानून किसानों के हित के नहीं है, ये बात लगातार किसानों की ओर से कही जा रही है। तमाम दर्शक अपनी राय दे रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या राय है ये भी आप हमें बता सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनता की राय के लिए, आपको बता दें कि जनता की राय का चैनल से कोई लेना देना नहीं है, जनता यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए अपनी निजी राय रखती है। गुरप्रीत सिंह, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। गुरप्रीत, आवाज मिल रही है आपको? सर जी, मतलब मोदी सरकार है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, दीजिए अपनी राय। सर जो मोदी सरकार है बिल्कुल ही किसान विरोधी है, जो कानून लिया ले,
सर मैडम जो ये मतलब मोदी सरकार कानून लेकर आई है ये बिल्कुल ही किसान विरोधी है। अब संसद जा रहे हैं किसान, क्या लगता है समाधान हो जाएगा ऐसे? नहीं नहीं मैडम, समाधान तो नहीं होगा और हम जाएं भी कहां और हम करें भी क्या, कुछ नहीं कर सकते ना। शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक रघुनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। अरे जी ये राय है कि किसान के लिए मतलब मोदी जी इतने मतलब क्यों मतलब किसान की मौत मार रही है बेचारे, और ये कानून वापिस ले लिया तो अच्छी बात है, समाधान हो जाएगा आप क्योंकि संसद जा रहे हैं किसान, क्या लगता है आपको रघुनाथ? नहीं मोदी जी ये सुनना चाहिए उनकी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए रघुनाथ। गुरप्रीत इसी बीच एक और दर्शक जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। छोटी सी बात और है, मतलब जे शुगर वाले को लड्डू देते हैं कहते हैं किसानों का फायदा है, जे शुगर वाले को लड्डू देंगे तो खा लूगा के ना ही किसानों ने मंगया है, किसानों ने बिना मंगे क्यों तो रहे है वापस ले लेना होगा। ठीक है अब संसद जा रहे हैं किसान, क्या लगता है अब सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, कुछ समाधान निकलेगा? सरकार पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा सरकार पे, ही सुप्ती सरकार जागेगी ना, उसको जाग नहीं आती ना उसको आवाज सुनती है सरकार की, किसान की ना किसान देखता है उसको, फिर उसको किसान देखेगा भी। ठीक है शुक्रिया गुरप्रीत अपनी राय रखने के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी किसानों के बारे में क्योंकि किसान अब संसद को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, संसद जा रहे हैं वो भी अपनी फसल बेचने के लिए, तो देखना यही है कि किसानों की समस्याओं का समाधान क्या अब हो जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहे ANB News। नमस्कार।